चुकी है मेरी वेरी गुड वेरी गुड हाई आमी टू ऑल माई लवली स्टूडेंट्स वो न्यूर हाई गाइज हम यहाँ पे बायोलॉजी पढ़ते हैं जोलॉजी प्राइमेली मैं आपके जुलॉजी टीचर हूँ ऑल राइट माई नेम इज सेजल सक्सेनाट फैकल्टी बायोलॉजी और राइट right. तो यहाँ हम एनिमल किंगडम के सेवेंथ लेक्चर पे हैं और राइट ये हमारा लास्ट एंड फाइनल लेक्चर है एनिमल किंगडम का और राइट right. और आज हम ये चैप्टर फिनिश कर देंगे ये चैप्टर बहुत आई होप ये चैप्टर मैंने आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इजी बना दिया है ठीक है तो फटाफट से अगर ये चैप्टर आपको बहुत इजी लगा है मुझसे पढ़ के मजा आया आपको तो आपको ये शेयर करना चाहिए अपने फ्रेंड्स के साथ और राइट तो शेयर दिस विथ ऑल योर फ्रेंड्स या ऐसे सामी काम पे लगो चालो बच्चे, बस अच्छा इत, इतने से बच्चों को पढ़ाएंगी ठीक है तो बहुत ईजी हो गया है तो फटाफट से अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो गाइज एंड लेट देम नो दैट वी आर समिंग ऑफ दिस चैप्टर ऑल राइट थैंक यू आर्यन थैंक यू सो मच ऑल राइट तो आज हम

तो right. so, तब तक थोड़ी बातें कर लेते थोड़ा सा बारे में मैं आपको बता देती आप, जो भी बच्चे यहाँ पे नए हैं वो ई करियर पॉइंट ऐप डाउनलोड करेंगे ई कर पॉइंट ऐप में हम आपको प्रोवाइड करते हैं पी इस पूरे चैप्टर की पी आपको वहाँ पे अवेलेबल होंगी ठीक है तो पी मिलेंगे आपको हम क्वेश्चन पोस्ट कर, करेंगे सारे एक्सपर्ट फैकल्टीज जो क्वेश्चंस पोस्ट करते हैं ये हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी टीम है और right? हमारे जी के पी सर ब्रिलियंट बॉटनी फैकल्टी हैं अवनीत मैम हैं मैं हूँ एंड राहुल सर हैं हम आपका जुलॉजी और बॉटनी पूरा बायोलॉजी का वी टेक केयर ऑफ इट और राइट तो हम लोग क्वेश्चंस पोस्ट करेंगे ई करियर पॉइंट ऐप में ई करियर पॉइंट ऐप में जो फीड सेक्शन है वहाँ पे आपको सारे क्वेश्चंस मिलेंगे ठीक है उसके अलावा कोर्स सेक्शन में आपको हमारे सारे कोर्सेज मिलेंगे ठीक है यहाँ पे ये बैच हमने प्राइमरीली स्टार्ट किया है ट्वेंटी को टारगेट कर करते हुए जो बच्चे 2022 को के लिए नीट एक्सपीरियंस है सारे you know, सारे सारे मेरे मेरे के और ड्रॉपर जो हैं बच्चों को भी बेनिफिट मिल रहा है और राइट और जो बच्चे हैं जिन्हें एयर लॉन्ग कोर्सेज चाहिए ये पॉइंट ऐप पे ब्रिलियंट फैकल्टीज हैं मैं पढ़ाती हूँ वहां पे ठीक है तो सारे फैकल्टीज हमारे पढ़ाते फिजिक्स केमेस्ट्री बायोलॉजी फैकल्टीज हम पर्सनली

कोड यूज कर सकते हैं एस एस और यू विल गेट टेन परसेंट ऑफ ऑल राइट

राइट सो एवस की स्टडी को हम क्या कहते हैं स्टडी ऑफ एब्स इज नोन एज और एव्स की स्टडी को हम क्या बोलते हैं और ठीक है यहाँ हम वो एनिमल्स पढ़ते हैं जो जिनके पास उड़ने की कैपेसिटी है समझ आ गया ठीक है वो उड़ सकते हैं अब अगर वो उड़ रहे हैं वो ग्रेविटी को डिफाई कर रहे हैं तो उनमें ऐसे चेंजेस होते हैं बॉडी में समझ आया उनकी बॉडी में उनकी फिजियोलॉजी में और उनके स्ट्रक्चर में ऐसे क्या चेंजेस हो सकते हैं जो उन्हें उड़ने के लिए हेल्प करते हैं तो सबसे पहले हम फटाफट से उनके मॉर्फोलॉजिकल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स देख लेंगे ठीक है बच्चे तो इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइंड होती है सबसे पहले जैसे हमने फिशेस की पढ़ी थी उनकी स्ट्रीम थी टू कट द वाटर करंट यहां बॉडी स्ट्रीमलाइंड होती है टू कट द एयर करंट समझ आया ठीक है सो बॉडी so, इनकी डिवाइडेड होती है बॉडी डिवाइडेड होती है इनटू हेड Neck, trunk, and tail. ठीक है बॉडी किस में डिवाइडेड होती है हेड नेक ट्रंक एंड टेल ठीक है है बॉडी होती इसके अलावा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है कि इनके जो फोर फोरलेम होते हैं वो मॉडिफाइड होते हैं इंटू फेदर्स आप देख रहे हो कितने ब्यूटिफुल फेदर्स हैं इनके इनके फोर फोरलिम आर मॉडिफाइड इन टू फेदर्स और ये फेदर्स इन्हें उड़ने में मदद करते हैं और भी बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको फ्लाइंग में हेल्प करते हैं जैसे कि इनकी जो बी होती है ठीक है की जो चौंच होती है उसमें टीथ एबसेंट होते हैं वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट सो बीक जो होती है ये विदाउट टीथ है समझ आया ठीक है और बहुत इंपॉर्टेंट है इनके फोर लिम जो होते हैं आर इनटू फेदर्स और फेदर उनको हेल्प करते हैं जो होते हैं बर्ड्स में ध्यान से सुनना है बच्चे हाइड लिम जो होते हैं में स्केल्स प्रेजेंट होते हैं इनके ठीक है और हाइंड लिम में स्केल्स प्रेजेंट होते हैं जो हाइड लिम है हाइंडलिम इनको किस चीज में मदद करेगा हाइडलिम इनको वॉक करने में छोटे छोटे क्यूट क्यूट से पैर होते हैं बर्ड्स के जिससे वो वॉक करते हैं बर्ड्स को वॉक वॉक करते हैं उसको क्या बोलते हैं परचिंग समझ आया ठीक है so, सो बर्ड्स वॉक करते वो पर्च करते पर्चिंग वो उड़ते 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 लैंड करते किसी भी डाली के ऊपर सो so, पर्चिंग वॉकिंग इसके लिए उनके में मदद करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चा मैं आपको एनसीआर फ्रॉम एनसीआरटी सारा इंफॉर्मेशन देती हूँ यहाँ पे मेरे पढ़ाने के बाद आपको सब चीज आसानी से समझ आनी चाहिए और याद होनी चाहिए ठीक है तो जो मैम कह रही है वो फुल फोकस से सुनना है गुड इवनिंग राज सिंह गुड इवनिंग फटाफट से वॉचिंग हंड्रेड करें मैम अनाउंसमेंट करने वाली है आज और उसके लिए मेरी पूरी कान खड़े करके सुननी है सारी बातें जो मेरे प्यारे बच्चे हैं जिन्हें बचा और रहे? बहुत इंपॉर्टेंट चीज एक और है जो मैं अभी बताऊंगी तो ध्यान से रही है नीट अभी ही होगी सुप्रीम कोर्ट रिजेक्टेड नीट पोस्टपोन करना है करना है

प्लूमाज याद रहेगा कलेक्शन ऑफ फेदर्स इज नोन एज प्लूमाज ठीक है बच्चे और मैम बता रही थी कि इनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी जो हुई है इनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी इनके इनमें क्या क्या ऐसे चेंजेस आए हैं जो इन्हें फ्लाइट में हेल्प करेंगे बर्ड्स के लिए ध्यान से सुनना है मेरे प्यारे बच्चे बर्ड्स में स्पेसिफिकली प्रेजेंट होती है न्यूमैटिक बोन्स हम आगे भी डिस्कस करेंगे इनकी जो बोन्स होती है वो होती है न्यूमैटिक न्यूमैटिक मतलब इनकी बोन्स में बहुत सारे स्पेसेस होते हैं क्या होते हैं बोन्स में बहुत सारे स्पेसेस होते हैं और बोन में प्रेजेंट होता है एयर मैरो बोन में क्या प्रेजेंट होता है एयर मैरो समझ आया जिसके कारण इनका बोन इतना इतना एरी होता है कि ये आराम से ये उड़ सकते हैं समझ आया बच्चे तो बोन्स और होलो वेरी गुड गाइस, वेरी गुड बोन्स होलो होती हैं और बोन्स होती हैं न्यूमैटिक बोन्स अब इनका जो फेदर है feather की बात की थी हमने कि फोर लेम मॉडिफाइड होता है इनटू फेदर और हाइंड लेम परचिंग के लिए होता है तो फोर लेम ध्यान से सुनना है इनकी पूंछ जो होती है ठीक है इनकी पूंछ पे स्पेशलाइज टाइप के ग्लैंड्स होते हैं जो कि ऑयल सेक्रेटिंग ग्लैंड्स होते हैं इन ग्लैंड्स को हम बोलते हैं प्रीन ग्लैंड्स ये क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है ग्रीन ग्लैंड्स जो होती हैं वो ऑयल सेक्रेटिंग ग्लैंड्स होती हैं समझ आया ठीक है और ये कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं ये बेस ऑफ द टेल पे प्रेजेंट होती है प्री ग्लैंड्स जिसके वजह से इनकी ऐसी ब्यूटीफुल सी शाइनी फेदर होता है इनका ठीक है समझ आया ठीक है तो बेस ऑफ द टेल को हम क्या बोलते हैं हम बोलते हैं यूरोपाईज्म ध्यान से सुना बच्चे जो होता है, वो बेस टेल होता है और यहां पे होती है समझ है है वो और बहुत मतलब और और पे होती ठीक बहुत मतलब सुन लो एनसीआरटी में नहीं है इनकी जो सैक्रल वर्टेब्रा होती है ठीक है तो हमने सारी वर्टेब्रल कॉलेज तो पता ही है सर्वाइकल थोड़ा से लंबर साक्रिल कॉकजिल ये पता है ना हमें तो विल कॉलम बोला मैंने सॉरी तो यहाँ इनकी जो साक्रिल होती है साक्रिल फ्यूज हो जाती है ठीक है स्ट्रीम बॉडी बनाने के लिए सो सैक्रम फ्यूज होके सिं साक्रिम बनाती है समझ आया ठीक है और कोडल व सारी फ्यूज होके पाइगो स्टाइल बनाती है बच्चा तो ये हमें ध्यान से सुनना है कि इनमें लिख दूंगी इनमें सिंसैक्रिम होता है पाइगो स्टाइल होता है जिससे इनकी बॉडी ऐसी स्ट्रीमलाइन लाइन बोर्ड शेप हो रही है आप देख हो जो उड़ने में इनको मदद करेगी तो सारी ही बहुत जुड़ती है बट क्वेश्चन आता है किस में थैंक यू वर्षा चौधरी थैंक यू सो मच बट हां जी मिराक बॉय जो बोल रहे हैं वो सुनो लाइक करो सेशन को ठीक है

ठीक है लार्जेस्ट बर्ड है और फ्लाइटलेस समझ आया लार्जेस्ट है और फ्लाइटलेस बर्ड समझ आया ठीक है तो अभी समझा दिया फोर लिम क्या बना रहे हैं

के बोन्स होती हैं होलो इनकी बोन्स में होते हैं इनकी हैं न्यूमैटिक समझ आठ ठीक है सब समझ रहे हो अच्छे से समझ रहे हो ठीक है तो आगे चलेंगे देखो ये न्यूमैटिक बोन्स होते हैं आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से सारे कैरेक्टरिस्टिक समझ आए ये देख रहे हो आप ये न्यूमैटिक बोन्स है इसमें कैसे आपको एयरमैरो दिख रहे हैं

सिन, साक्रम, ठीक है और कॉडल मिलके बनाती है फ्यूज करके बनाती है पाइगो स्टाइल

क्रॉप हमेशा बेटा स्टमक जैसे ही काम करते है जिस पर स्टोरेज ऑफ फूड क्रॉप किसका स्टोरेज ऑफ फूड का काम करेगा और जिजार्ड जिजार्ड इसमें ग्राइंडिंग ऑफ फूड करेगा क्या करेगा ग्राइंडिंग ऑफ फूड

समझ आ गया ठीक है ऑल राइट अनाउंसमेंट करती हूँ मैं ध्यान से सुनना मेरे सारे प्यारे बच्चे कल आपको इसी टाइम पर आना है फाइव टू सिक्स कल हमारा मेंटी होगा ठीक है बच्चे कल हमारा पूरा ग्रैंड रिविजन होगा एनिमल किंगडम का सो so, आज आपको ध्यान से सुनना है ध्यान से समझना है ध्यान से पढ़ना है जो क्वेश्चन मैम आज लाई हैं आपके लिए वो आपको अच्छे से सॉल्व करने हैं और मेंटी के

हाँ जी बच्चे मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट करूंगी 2022 बैच का और बिल्कुल YouTube पे बिल्कुल अच्छे से मैं क्विज़ेस ऐप पर भी लूंगी बहुत ही ज्यादा क्यूरेटेड हैं ऐप के क्विज़ेस भी और मेंटी मैं कल लूंगी ठीक है बच्चे सो so, कल 5:00 टू 6 हमारा मेंटी होगा सो आई वुड लव इफ यू गाइस कैन कम ट really तो कल बिल्कुल धूम मचानी है हमने एनिमल किंगडम कल पूरा करना है पूरा क्वेश्चन इतने ब्यूटिफुल क्वेश्चन है कि आप सारा का सारा आपका रिवाइस हो जाएगा सो मेक श्योर कि पूरा पढ़कर आओ ठीक है समझ आ गया तो अब गेटिंग बैक टू द टॉपिक आई होप यू गाइज लव कल बिल्कुल रेडी रहना मेंटी के लिए ठीक है बच्चे और सारे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ठीक है तो क्रॉप बेटा सिमिलर होता है स्टमक इनका स्टमक ग्लैंडुलर होता है ठीक है ग्लैंड प्रेजेंट होती है क्रॉप में हमेशा होगा स्टोरेज ऑफ फूड ठहर जाएगा में 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 मैं की बात कर रही हूं। ध्यान से सुनना में, में और, आ, मिल्क होती हैं तो मिल्क करके रीगर्जिटेट हो जाता है बाहर और वो अपने यंग वंस को फीड करता है आप ध्यान से सुनेंगे एक और इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे प्रेजेंट होती है बेटा मेटानेफ्रिक मेटानेफ्रिक किडनी और यहाँ पे प्रेजेंट होता है एव्स में स्पेसिफिकली प्रेजेंट होता है क्लोएका अब मैंने बताया था क्लोएका क्या होता है जहां रिप्रोडक्टिव डाइजेस्टिव और यूरिनरी ट्रैक एक साथ ओपन होता है इन वन सिंगल ओपनिंग दिस इज नोन एज क्लोएका सो बहुत इंपॉर्टेंट है हमें याद रखना क्लोएका ठीक है so, सो इनमें किडनी होती है क्लोएका प्रेजेंट होता है समझ आ गया और अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स बता रही हूँ ध्यान से सुनना बच्चे देखो सबसे पहला तो मैंने समझाया था अभी क्रॉप और जिजाट समझ आ गया जिजाट ग्राइंडिंग ऑफ द फूड के लिए होता है मैंने डायग्राम में दिखा दिया हार्ट इनका कंप्लीटली फोर चेम्बर्ड होता है ये होते हैं मेरे बच्चे होमियोथ मतलब क्या कि ये अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एनवायरमेंट व्हाट डू दे डू व्हाट आर होमियोथर्म्स होमियोथर्म्स कैन रेगुलेट होमियोथर्म्स कैन रेगुलेट बॉडी

Sacks होते हैं समझ आया ये क्या करेंगे एयर सैक्स लाइट वेट प्रोवाइड करेंगे ठीक है बहुत ज्यादा सो दैट बर्ड ईजिली फ्लाइट ले सकती है समझ आया फ्लाइट मतलब कहीं प्रेशर में बैठ के नहीं जाएगी <laughs> ठीक so, है सो एयर सैक्स होते हैं ये बर्ड का को लाइट वेट करेंगे ठीक है लंग्स में एयर सैक्स प्रेजेंट होते हैं समझ आया बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एयर सैक्स भी एयर समझ आ गया सी एयर मैरोक्स यहाँ पे भी होते हैं यहाँ पे भी होते हैं लंग्स में प्रेजेंट होते हैं समझ आया बर्ड्स में साइरिंग्स होते हैं देखो एयर सेक्स कनेक्टेड होते हैं लंग्स के साथ रेस्पायर करने के लिए समझ आए इसके अलावा साइरिंग्स साइरिंग्स होता है टू प्रोड्यूस साउंड तो बर्ड्स का आवाज आपको कितने दूर से आता है इट्स बिकॉज ऑफ साइरिंग ठीक है साइरिंग्स प्रोड्यूस करता है साउंड Easily समझ आ रहा है हर कोई पॉइंट और एक लास्ट और इंपॉर्टेंट और बेहतरीन पॉइंट आपको समझना है बच्चे कि यहाँ पे न्यूमैटिक बोन्स होती है एयर सैक्स होता है एयर है। है? मैरो बोलते हैं हम इनको साउंड बॉक्स बोलते हैं समझ आ गया इनका स्टर्नम स्टर्नम जो होता है विथ कील बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे कील ठीक है विद कील और कील से अटैच होती है सारी की सारी फ्लाइट मसल्स ठीक है सो कील से अटैच होंगी फ्लाइट मसल्स समझ आ रहे बच्चे? ठीक 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 है, है, है? है? के लिए होता और और एक लास्ट, एक और लास्ट, फिर हो जाएगा, ठीके? इनकी जो क्लाविकल होती है और इंटर क्लाविकल ये फ्यूज करके बनाती है स्पेशलाइज टाइप की वी शेप की बोन जैसे हम बोलते हैं फॉर्क्यूला तो ये एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें कि क्लाविकल ये कोच एनसीआरटी में नहीं मिलेगा पर इंपॉर्टेंट है सुनो समझो कंसेप्ट समझो ठीक है क्लाविकल एंड इंटर क्लैविकल फ्यूज होके बनाएगी क्यूला और क्यूला होती है वी शेप की बोन तो जो तर्की होता है

क्लीडोइग होंगे मतलब क्लीडोइग एग्स मतलब प्रोटेक्टिव कैल्शियम कार्बोनेट का कवर होगा समझ आए बच्चे ठीक है इजी पीजी बहुत इजी लग रहा है ठीक है डायग्राम बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया आप बिल्कुल क्रॉप देख सकते हो यहाँ पे ठीक है मैं समझा चुकी हूँ जिजार्ड इज ऑलवेज फॉर ग्राइंडिंग ऑफ फूड ठीक है फूड को ग्राइंड करने के लिए जिजार्ड होगा एंड सब कुछ एलिमेंट्री के नाल यूरिनरी ट्रैक रिप्रोडक्टिव ट्रैक सब कुछ ओपन होगा एक कॉमन ओपनिंग में विच इज क्लोइका समझ आ रहे बच्चे ठीक है। आगे बढ़ते आप एग्जाम्पल याद रखने हैं कौन से ध्यान से ध्यान से मैम जो बताएंगे जुलॉजी में कभी नहीं रटना है। आपको कभी नहीं बोलती हूँ रटो या रटो मैं आपको समझाती हूँ याद रहे चीजें ठीक है बच्चे ठीक है तो हमें यहाँ पे या, बहुत इंपॉर्टेंट है ऑस्ट्रिच याद रखना है फ्लाइटलेस वर्ड है याद रखना है ठीक है सीटाक्यूला क्या होता है इट्स पैरिट समझ आया सीटा किला क्या होता है ये याद रखो पैरेट कोलंबा याद रहेगा रहे 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 का याद रहेगा क्रो ठीक है पेंगुइन का याद रखना है पेंगुइन में जो फोर लिम होता है फोर लिम पेंगुइन में फोर लिम मॉडिफाई होता है मॉडिफाइड इनटू स्विमिंग पैडल समझ आया जिससे वो स्विम कर सकती है, है. है, तो है? Right? Yeah, <laughs> right, like सुंदर सुंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाल्चर है, बोलते है जिसको ठीक है, वाल्चर है, ये है, फ्लाइटलेस, ठीक है? समझ आया ऑल राइट ये तो हमें पता है पीकॉक है पावो ठीक है ये बिल्कुल अच्छे से ये कौन है ठीक है इजिली समझ आ रहा है कोई दिक्कत कोई परेशानी चलो तो नहीं तो फिर सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ आए बेटा रिवाइज करवाने क्या रिवाइज करवाओ फटाफट से पूरा अच्छे से समझ आ गया सारे पॉइंट्स मैंने कवर हैं, अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी एनसीईआरटी एंड ठीक है बच्चे फटाफट से दूंगी सो ट्यून फॉर क्वेश्चन समझ आया बच्चा right. तो पढ़ो एक सेकेंड का वॉट ब्रेक बिल्कुल अच्छे से समझ आया सब कुछ सीटा क्यूला बोलते हैं ठीक है Alright. तो मैमिल्स पढ़ते फुल फोकस क्या रिवाइज करा एज रिवाइज करा एज में सिर्फ न्यूमेटिक बोन्स मैं अभी कंसेप्ट दे रही हूँ बच्चे एज में कौन से ने सबसे इंपॉर्टेंट समझाया आपको न्यूमेटिक बोन्स समझाइए

एक और देखो रिवाइज कराते कराते एक और कंसेप्ट मैम को याद आ गया है बहुत ही बढ़िया सी बात हो गई है तो देखो इनमें प्रेजेंट होता है बेटा पेक्टिन पेक्टिन क्या होता है अब ध्यान से सुनना पेक्टिन नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा इनके आय को ठीक है तो पहला बात तो पेक्टिन नरिशमेंट प्रोवाइड करता है आय को ठीक है दूसरी चीज पैक्टिन जो है वो प्रेशर को इक्वलाइज करता है ठीक है इसी के कारण पैक्टिन के कारण ही बर्ड्स में टेलीस्कोपिक विजन होता है ठीक है

जी तो लाइक करेंगे ठीक है बच्चा ध्यान से सुनेंगे की मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी नाम क्यों पढ़ा मैमेलिया क्योंकि मैमल्स की मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है मेमरी ग्लैंड्स ठीक है इनमें क्या प्रेजेंट होते हैं मेमरी ग्लैंड्स या मैमे ठीक है, बेटा में एक और चीज होती है सिर्फ लेफ्ट ओवरी फंक्शनल होती है बर्ड्स में ठीक है ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आप याद रख लो ठीक है तो ध्यान से सुनेंगे मेमेलिया मेमेलिया मतलब मैमल्स में की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज मेमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगी ठीक है मेमरी ग्लैंड्स या मैमे होते हैं फीड करने के लिए यंग वंस को किसको फीड करने के लिए यंग वंस को जो यंग वंस को डायरेक्टली बर्थ देते हैं मैमल्स समझ आया हम टाइप्स ऑफ मैमल्स समझेंगे उसमें हम और डेप्थ में समझेंगे कि मैमल्स के क्या क्या टाइप्स होते किस किस टाइप के होते हैं ठीक है बट स्पेसिफिकली मेमोरी ग्लान इनकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है ठीक है इसके अलावा डायफ्राम प्रेजेंट होता है मस्क्युलर डायफ्राम समझ आया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑल्सो ठीक है, है? मस्क्यूलर और एस्पिरेशन जो बच्चे मुझसे पढ़ चुके हैं जिनको मैं पढ़ाऊंगी हाँ एक और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट वाह बहुत सारे अनाउंसमेंट हैं ठीक है ध्यान से सुनेंगे बच्चे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैम अभी बताने जा रही हैं आपको तो फटाफट -फड़ से अपने फ्रेंड्स को बुला लो एक और अनाउंसमेंट है <laughs> ठीक है ध्यान से सुनना है तो पहली बात तो मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है मेमोरी ग्लैंड्स कमेंट सेक्शन में मुझे बताना आर मॉडिफाइड ये मॉडिफाइड कौन से ग्लैंड्स ओ अमन कपूर ने तो जवाब भी दे दिया मेमोरी ग्लैंड्स आर मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स ये कौन से ग्लैंड्स होते हैं मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स होते हैं समझ आ गया ठीक है इनमें प्रेजेंट होते हैं टू पेयर ऑफ लिम्स ठीक है फोर लिम प्रेजेंट होता है हाइंड लिम प्रेजेंट होता है स्टडी ऑफ मैमल्स को हम बोलेंगे मैमोलॉजी क्या बोलेंगे स्टडी ऑफ मैमल्स को बर्थ की स्टडी को स्वाइट परफेक्ट गाइस परफेक्ट परफेक्ट वेरी गुड ठीक है, है समझ आ गया अरे तो मेमोरी ग्लैंड से अपने यंग को फीड करेंगे इसके अलावा मस्कुलर डायफ्राम प्रेजेंट होगा फॉर रेस्पिरेशन फोर लिम और कन्वर्ट तो किसी -किसी हो जाते हैं ठीक है समझ आ गया तो हूफ जैसे हॉर्सेस में हूफ प्रेजेंट होते हैं समझ आया बिल्कुल ईजी बिल्कुल ईजी ठीक है अब इनकी जो स्किन होती है इसमें हेयर होते हैं अब मोस्ट एडवांस मैमल्स जो होते हैं उनमें है रिड्यूस्ड हो जाता है ठीक है एक और इंपॉर्टेंट कांसेप्ट हमें समझना है कि सारे मैमल्स में ऑल मैमल्स सारे मैमल्स में आरबीसीज जो होते हैं एनसीईआरटी का पॉइंट नहीं है पर इसमें क्वेश्चन आता है आरबीसीज ए न्यूक्लियेटेड होते हैं आरबीसीज क्या होते हैं ए न्यूक्लियेटेड मतलब विदाउट न्यूक्लियस बट सिफ औरसेल्फ कॉमन सेक्शन में कौन बताएगा सिफ औरसेल्फ लामा जो कैमल है ठीक है इसमें आरबीसी जो होंगे वो न्यूक्लिएटेड होंगे RBCs क्या होंगे Nucleated ये हमें याद रखना है ठीक है होता है cerebrum, hem, cerebral hemispheres को. Cerebral hemispheres को है है? में, में में को को मैं लिख जोड़ता ठीक तो ये हमें बिल्कुल अच्छे से समझना है, ठीक है so, सो यहाँ कैमल जो लामा है उसमें आरबीसी होते बचे न्यूक्लिएटेड एक्सटर्नल एयर जो है वो पिन्ना है इनमें प्रेजेंट होता है समझ आ आ गया बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैमल्स में पहली बात तो जो टीथ होते हैं वो अलग टाइप के होंगे इंसीजर्स कैनाइंस प्री मोलर्स एंड मोलर्स समझ आए इस टाइप के डेंटेशन को हम हेक्टरोडोन डेंटेशन बोलते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ कौन से इंसीजर्स कैनाइंस प्री मोलर्स मोलर्स इसको हम क्या बोलेंगे हेक्टेरोडोंट हेक्टरोडोंट डेंटिशन समझ आया और इसके अलावा इसमें थीकोडोंट डेंटिशन भी होता है थीकोडोंट मतलब क्या कि जब टीथ प्रेजेंट होते हैं बोनी सॉकेट ऑफ जॉ मतलब टीथ प्रेजेंट होंगे कहाँ जॉ के सॉकेट में ठीक है दैट इज नोन एज थीकोडोंट डेंटिशन इजीली समझ आ रहे हैं बच्चे ठीक है कॉर्पस कैलोजम का, का भी पॉइंट बताया था कि सेरिब्रल हेमिस्फियर्स ज्वाइंट टूगेदर जॉइंट बाय कॉर्पिस कैलोजम समझ आया ठीक है बिल्कुल समझा रहे, कोई दिक्कत तो नहीं जा रही कोई परेशानी तो नहीं जा रही इसमें, again, होता है विद रिस्पेक्ट टू द एनवायरमेंट इसमें लंग्स भी प्रेजेंट सारे एडवांस कैरेक्टर्स जो हमें वो सारे मैमल्स में प्रेजेंट होते हैं इनमें लंग्स प्रेजेंट होते हैं और लंग्स के ऊपर प्रोटेक्शन के लिए प्लूरल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी मैं टाइप्स ऑफ मैमल विद एग्जांपल समझाऊंगी तो ध्यान से सुनना है बच्चे ठीक है समझ आया ठीक है अब बहुत इंपॉर्टेंट है फटाफट फड़ से तीन टाइप के मैमल समझेंगे हम सबसे पहला होता है प्रोटोटेरिया क्या होता है प्रोटोटेरिया फिर होता है मेटाथेरिया और होता है यूथेरिया बच्चे फुल फोकस से सुनना है जितना मैम पढ़ा रही है उतना ही इम्पोर्टेंट है उतना ही समझ रहे उतना ही एग्जाम्पल में आएगा समझ आ ठीक है उतना ही एग्जाम में आएगा ठीक है सो so, यू थेरिया तो प्रोटोथेरिया प्रोटो वर्ड प्रोटो समझो प्रोटो मतलब होता है प्रिमिटिव तो प्रोटोथेरिया ये प्रिमिटिव टाइप के मैमल होते हैं प्रोटोथेरियंस को हम बोलते हैं एग लिंग मैमल्स ठीक है

एग लेइंग मैमल मेटाथीरिया वेरी इंपॉर्टेंट ये ओवो होते हैं ओवो में मतलब इन्हें ओवो बोलते हैं हाई एंड वेस एसएस एस आमी और रेड परफेक्ट तो ओवो या इन्हें हम मार्सुपियल्स भी बोलते हैं समझ आया तो इसका एग्जाम्पल भी बहुत इंपॉर्टेंट मार्सुपियर मतलब कि इनका इनका जो बेबी है मतलब इनका जो यंग वन है एम्ब्रियो वो डेवलप करता है इन अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर विच इज नोन एज मार्सुपियम मार्सुपियम में बच्चा डेवलप होगा समझ आया ठीक है और यू होती है यू मतलब ट्रू प्लासेंटल मैमल्स

में आएगा कैंगरू अब इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना है देखो दे, दे, डाक बिल प्लेटेपिस जो होता है डाक बिल प्लेटेपिस और स्पाइनी एंड ईटर जो है इकाइडना ठीक है ये किसके मेंबर हैं प्रोटोथीरिया इसमें मैमे प्रेजेंट होगी मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होगी मेल में भी फीमेल तो तो, में भी तो, समझ आ मेमोरी ग्लैंड्स दोनों में प्रेजेंट होगी सो एगलिंग मैमल में प्रोटोथीरिया में मेमोरी ग्लैंड्स ग्लैंड्स मेल में प्लस फीमेल मेल एंड फीमेल दोनों में प्रेजेंट होगी और मेल में जब मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है तो उसको हम बोलते हैं गाइनेको मेस्टिया समझ आ गया ये कंडीशन ध्यान से सुनना है बच्चा क्वेश्चन कि गायनेकोमेस्टिया मेल जो होता है मेल फीड करता है अपने यंगवन को समझ आया मेल जो है वो मिल्क प्रोवाइड करेगा अपने यंगवन को मेल में भी मेमोरी ग्लैंड्स डेवलप्ड होंगी कंडीशन इज गायनेकोमेस्टिया मेल जो होते हैं गायनेकोमेस्टिक होते हैं समझ आया बच्चा बिल्कुल इजीली समझ आ रहा है ठीक है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ठीक है हां एक और एक और बहुत ही क्लासिक कांसेप्ट है कि यहाँ सुनना फटाफट से यहाँ एक मैं नेक्स्ट में समझाती हूँ इसमें तो थोड़ा ज्यादा हो गया ठीक है तो ध्यान से सुना मेल में डॉक्टर प्लेटिपस और स्पाइनी एंटीटर में मेल में भी मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगी इसके अलावा मेल में पॉइजन ग्लैंड पॉइजन ग्लैंड प्रेजेंट होगी मेल में ठीक है मुझे लाइक बढ़ते हो तो दिख ही नहीं रहे बच्चे 150 का 200 करना है हमें 200 करना है स्टिल वी हैव 15 मिनट्स

मेटाथेरिया में आता है कैंगरू और एक और इम्पोर्टेंट इसको हम बोलते हैं डायडिफिस डायडेफिस होता है इस पर क्वेश्चन बहुत आता है डायडेफिस जो है इसमें गेस्टेशन पीरियड सबसे छोटा होता है गेस्टेशन पीरियड 12 से 13 दिन का होगा बस इसमें गैस्टेशन डायडेफिस में गेस्टेशन होता है

ठीक है समझ आया बिल्कुल इजी इसके अलावा इकाइडना भी इसका एग्जाम्पल है याद रखो स्पाइनी एंड ईटा समझ आया ठीक है दो पॉइंट्स मैंने समझाया कि मेल पॉइजन ग्लैंड्स बेयर करेगा मेस्टिया है मेल को भी वो भी अपने यंग वंस को फीड करेगा समझ आया इजिली अंडरस्टैंडेबल हाई एस एस थैंक यू फॉर कमिंग Alright, बहुत इंपॉर्टेंट है कैंगरू मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट है समझा है? मैंने डायडेफिस बताया आपको डायडेफिस का गेस्टेशन पीरियड इंपॉर्टेंट है बारह से तेरह दिन ठीक है सो कैंगरू इज मैक्रोपिस अगेन इंपॉर्टेंट और फाइनली मैंने यूथेरियन मैमल्स बताया आपको यूथेरियन मैमल ट्रू प्लासेंटल मैमल्स होते सारे के सारे एग्जाम्पल यूथेरिया के ठीक है बच्चे इसमें क्या होगा एलेंटोरियोनिक टाइप का प्लासेंटा होगा इसके अलावा ये इनके जो मेमे है जो होते, वो यूथ एरियन होते हो हैं ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें याद रखने ठीक है बच्चा कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं आ रही मार्सूपियल याद रहा ठीक है

राइट right. फटाफट से आगे बढ़ेंगे ठीक है वेल अगेन वेरी इंपॉर्टेंट लार्जेस्ट मामिल है ठीक है समझ आ रहा है बिल्कुल इजीली कोई दिक्कत नहीं जा रही तो फटाफट से क्वेश्चन करेंगे drum roll guys we are done with the chapter diverse हमने पूरा एनिमल किंगडम ब्यूटीफुली कंप्लीट कर दिया है थैंक यू थैंक यू गाइस थैंक यू फॉर द लवली कॉम्प्लीमेंट्स फटाफट से सुनेंगे और क्वेश्चन करेंगे लाइक्स बढ़ाएंगे फटाफट से क्वेश्चंस करना है हमारा क्वेश्चन टाइम है बच्चे ठीक है और लाइक्स बढ़ाएंगे 200 लाइक्स करना है ठीक है बच्चे ऑलराइट फटाफट से क्वेश्चन देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव फोर चैंबरड हार्ट ये तो इजी पीजी है यार ये तो कितना इजी है बिल्कुल इजीली समझ आया तो इसका आंसर करो फटाफट से कितना इजी है ये हाँ जी किसमेंड फ्रॉग यार इसमें एट्रियो वेनस हार्ट होता है कितना आसान फ्रॉग में एट्रियो वेनस होता है मतलब दो एट्रिया एक वेंट्रिकल इजी नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग रेप्टाइल इज नोन एज लिविंग फॉसिल अच्छा करो इसको करो फटाफट से इसका आंसर बताओ मुझे कौन सा लिविंग फॉसिल है इसमें फटाफट आंसर विच ऑफ द फॉलोइंग रेप्टाइल इज ए लिविंग फॉसिल एलिगेटर नहीं स तो किंग क्रैब लिम्यूलस जो है वो किंग क्रैब है बताया था मैंने ऑर्थ्रोपोर्ड का में ठीक है फ्लाइटलेस बर्ड अभी बताए फ्लाइटलेस बर्ड जो है फटाफट से बताओ विच इज विच कॉन्ट फ्लाई फ्लाइटलेस बर्ड है of course, <laughs>

एकदम मराठी तो बेचारा माला ये थे मराठी चलो कस का बारा है बार है सिलेक्ट द ग्रुप विच वॉज वीवी पैरिटी अच्छा सुंदर क्वेश्चन है अच्छा बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है करो तो कौन सा वीवी पेरिस है वीवी पेरिस है हाँ चलो मैं अनाउंस कर देती हूँ वन वन जीरो बच्चे आ चुके हैं वन सेवेंटी टू लाइक्स है लाइक्स बढ़ाओ दो सौ करो ध्यान से सुनो नेक्स्ट चैप्टर जो मैं ले रही हूँ आप लोगों के लिए ड्रम रोल्स नेक्स्ट चैप्टर है मैं फिजियोलॉजी स्टार्ट कर रही हूँ विच इज सिस्टम ऑल माई स्टूडेंट्स दे क्रेव फॉर दिस मतलब मेरे सारे बच्चे मेरे, मैं जो फिजियोलॉजीज पढ़ाती हूँ बच्चों को तो मेरे सारे बच्चे कहते हैं मैम फिजियोलॉजीज आपसे पढ़ लेते हैं हमें मज़ा आ जाती है सब इमेजिन हो जाता है सो so, फिजियोलॉजीज़ ही स्टार्ट कर रही हूँ मैं नेक्स्ट क्लास कल तो हमारा मैंटी जिसमें सबको आना है ठीक है तो और सारे बच्चों को बुलाने उसके बाद मैम फिजियोलॉजीज लेंगी सबसे पहली फिजियोलॉजी डाइजेशन एंड अब्सॉर्प्शन आई होप यू गाइस आर सुपर एक्साइटेड अगर एक्साइटेड हो तो लाइक बटन को हिट द लाइक बटन ऑलराइट इसमें वीवी पेरिस बेटा ध्यान से सुनना वीवी पेरिस देखो इसमें आप कैसे करोगे प्लाटिपस है तो काट दिया ठीक है डगबिल प्लैटिपस एग लेइंग होता है काट दिया समझ आया स्पाइनी एंटीटर एग लेइंग होता है काट दिया स्लॉथ जो होता है बेटा ब्रैडीपस स्लॉथ जो होता है वो है ब्रैडीपस और ब्रैडेपस जो बेटा वो वीवी पेरिस होता है तो इसमें वेल टाइगर स्लॉथ समझ आया ठीक है बिल्कुल इजीली समझ आ रहे आपकी so फिजियोलॉजीज़ ऐसी कर दूंगी कैसा लगेगा वाह मजे ही आ गए क्लास में, तो में बहुत डेप्थ में पढ़ाती हूँ फिजियोलॉजी पूरा इमेजिन हो जाएगा ठीक है फटाफट विच ऑफ दो होम्योथर्मी होमियोथर्मी कौन नहीं शो करता है कितना ईजी है ये तो दिस इज सो डैम इजी मजा आ गया आई होप दोनों अनाउंसमेंट आज के आपको बहुत अच्छे लगे हैं बच्चे ठीक है कल है और उसके बाद मैम परसों से फिजियोलॉजी ले रही से इसका आंसर बताएंगे कौन है स्नेक मतलब कोल्ड ब्लैडेड यहाँ होम्योथर्मिल पूछा है वार्म ब्लैडेड वेरी गुड परफेक्ट सबने सीधी श्रुति ऋषि सौमित सिमरन गौर कृति आर्यन से, पर फीचर नॉट बेटा नॉट तो ध्यान से सुनना है ठीक है नॉट अ कंपल्सरी फीचर ध्यान से ध्यान से ठीक है का कौन सा कंपल्सरी फीचर नहीं है थैंक यू थैंक यू सो मच तो बेटा ध्यान से सुनना है प्रोटोकॉर्डेट प्रोटोकॉर्डेट और वर्टिब्रेटा आता है कॉर्डेट में प्रोटोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड रिप्लेस नहीं होती वर्टिप्रल कॉलम से समझ आया बहुत ईजी है ना

चलो तो प्रोटोकॉडेटर याद रखना है आप स्टेटमेंट नॉट ट्रू हां जी अभी जो लास्ट क्वेश्चन किया उससे हिंट ले सकते हो इस क्वेश्चन में ठीक है बेटा चैप्टर बता दीजिए बताया मैंने अभी आपको चैप्टर मैं एनिमल किंगडम के बाद में

इसमें क्या है इसका आंसर कि सारे के सारे कॉर्डेट वर्टिब्रेट नहीं होते हैं यही है सही प्रोटोकॉर्डेट प्रोटोकॉर्डेटा में वर्टिप्रोल कॉलम कहां होती है ठीक है थैंक यू सिमरिन गौर थैंक यू लव यू गैस थैंक यू थैंक यू सो मच ठीक है तो सारे कॉर्डेट वर्टिब्रेट नहीं होते सारे वर्टिब्रेट कॉर्डेट होंगे हाँ जी बिल्कुल सही सही सही

फटाफट फटाफट बताओ सिर्फेलो कॉडिट का एग्जाम्पल इसमें कौन सा है हिंट दे देती हूँ सिर्फेलो कॉर्डेट में नोटोकॉड हेड से लेके टेल तक होगी समझ आया ठीक है से फेलो में नोटोकार्ड हेड से लेकर टेल तक होगी एग्जाम्पल एक, हां जी इसका एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है पूरा एडवांस प्रोटोकोडेट बट इसमें क्या फ्लेम सेल्स प्रोटोनेफ्रिडिया प्रेजेंट होते फॉर एक्सक्रीशन समझ आया बच्चे ठीक है तो इसका आंसर क्या है ब्रैंकियस स्टोमा लैंसलेट

डेटा इजिली समझ आया पूरा फिजियो पूरा फिजियोलॉजी भी टाइम हो जाएगा पूरा एनिमल किंगडम अगर समझ आया तो लाइक करो यार शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ इतना इतना क्या है कर ही सकते हो आराम से ठीक है